पर्वत सर और भाकरी के बीच में नागौर जिले में ये एक गांव आया है दोस्तों, और यहाँ पर जो है वो ये मूंज बनाने का काम होता है। ये कहो तो आपने सुनी होगी, मार मार के मूंज बना दूंगा, मतलब ये राजस्थानी में तो ऐसी कहावत है, मार मार के मूंज बना दूंगा। तो इसके अंदर इस सरकंडे को मार मार के ये मूंज बना रहे हैं, और फिर मूंज से मूंज की रस्सी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं आइए हम इनसे जानते हैं, पूछते हैं। ये हम तो मूंज बांध बनते हैं, ऐसे मूंज कूटते हैं। ये कहाँ से लेके आए, ये क्या चीज है? ये बाहर से आते हैं, जयपुर से। नाम क्या इस चीज का? इस मूंज ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ का क्या नाम है? ये डोका। मुंजा। अच्छा, कहाँ से आता है ये? ये जयपुर से। तो ये हाथों से बनाते हैं? ये हाथों से बनाते हैं। ये तो अभी मतलब ये टाइट लग रही है। ये टाइट लग रही है, मशीन से होती है, चक्री से। मशीन से होती है। हाँ। मशीन कहाँ पर है? यहाँ पे नहीं है। अंदर है क्या? अंदर है। और इसमें आप कितने मतलब ये कितने में लेके आते हो और कितने में बेचते हो? एक 120 में 130 में बेचते हैं। अच्छा, और ये 120 पीस में। हाँ। और आप कितने में लेके आते? हमारी गाड़ी आती है दूर से, 50,000 की गाड़ी आती है। 50,000 की? 50,000 की। कितने क्विंटल आता है गाड़ी में? ये आता है 30-35 क्विंटल आता है। 30-35 क्विंटल आता है। मन 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 आता मन। मजदूरी कितनी पड़ जाती है आप? मजदूरी तो इसमें का ही पड़े, इसमें तल्ला लेने पड़ते हैं भी है। 100 कान रुपये 100-150 रुपये बचे बचते, और कुछ नहीं बचते इसमें तो। बहुत ही मेहनत है, ऐसे ही हाथ सुन जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। देखो ऐसे मजदूरी करते हैं और ये टाइम पास करते हैं, ऐसे बनते हैं, ये दिन भर ऐसा हाथ सुन जाते ही है। चलो भैया, आप कहीं से भी अगर खरीदें तो मूंज जरूर खरीदना, क्योंकि मूंज के पीछे हाथों की मेहनत है, ये कोई मशीन से नहीं बनती है। से पन्नी काटते हैं, उससे चीराते हैं, उससे बांधते हैं, काम भी काटते हैं, क्या करें? अभी नहीं कट गए, हाँ खत्म हो गया। अभी सियाड़ में ये खेत में होते हैं। और उसके बाद में अंदर गए तो देखा सब जगह यही सरकंडे को कहीं पर साफ किया जा रहा था, और ये इनके मकानों घर के अंदर भी इस तरह के यूज लिए हुए हैं। ये अलग अलग सेट बना करके छोड़े हुए हैं सरकंडे के। ऐसे चला के बनाते हो? इससे कितनी बन जाएगी मूंज? इसमें एक छड़ा निकलते है। एक? एक मतलब एक छड़ा निकलते है। एक वो ऐसा एक। और उसमें कितने फुट होगी? उसमें यहाँ से रोड तक? रोड तक। कितना है? मतलब 60-70 फीट तो आराम से। चोरी होती है? चोरी होती है। तो सुना आपने, ये जो मूंज का सामान है और जो बनी हुई मूंज है, इन सब की भी यहाँ आसपास चोरी भी हो जाती है। उसके बाद में देखिए इस सरकंडे को कैसे कूट कूट के मूंज बनाते हैं। ये मशीन आगे लगी हुई है और दो व्यक्ति जो साइड में बैठ करके एक साथ में दो दो जो छोटे छोटे सेट बनाए हुए हैं उनको मशीन ही कूट रही है ऑटोमेटिक ही, हाथों से नहीं कूटा जा रहा, हाथों से भी कूट सकते हैं। और फिर कूटते कूटते ये मशीन जो है इसको मूंज बना देगी। इनके नीचे लकड़ी के बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं जो कूटने का काम कर रहे हैं, और पीछे से ये मशीन चल रही है, ये देखिए इस तरह से। और उधर से बड़े बड़े सरकंडे के सेट जो है वो लेके आ रहे हैं। अब इनको कूटने के बाद में जो मूंज बनाने से पहले एकदम मुलायम हो जाती है, एकदम मुलायम, ये देखिए इतनी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कैसे बना दी, कहाँ से आ गई, लेकिन ये कूट कूट के ही इसको बना दिया है। बहुत ही अच्छी लग रही है हाथ में लेने के बाद में, कितनी सुंदर दिख रही है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँ ये सरकंडे जो खेतों में से काट के लाते हैं वैसे ही है बड़े बड़े, इनको फिर छोटे करते हैं, फिर इनकी जो है मूंज बनाते हैं। और ये दूसरा सामान है, ये बैठने के लिए बनाते हैं इस तरह के, इनके जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये लग गई हाथ के, ये बहुत ही तीखी होती है सरकंडे की जो पन्नी होती है,
बहुत ही आसानी से हाथ के लग जाती है। इनके हाथों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जगह जगह से कटे हुए थे। फिर हमारे पास में जो फर्स्ट एड किट थी वो श्याम बिहारी स्वामी लेके आए और अभी बैंडेड लगा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल भरा काम है ये, इतना आसान नहीं है। हमेशा इसके अंदर हाथ करके रखते हैं तो लग ही जाती है। बैंडेड लगाने के बाद में अब ठीक है। और यहाँ पर सरकंडे से किस तरह से मूंज बनाते हैं मार मार के, ये हमने देखा और हम आगे बढ़े। आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, हम पूरे राजस्थान की यात्रा पर अभी निकले हुए हैं। और साथ ही ये वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।